किसान वीरो सत श्री अकाल, मेरा नाम है दर्शन सिंह और आप सभी का वेलकम करता हूँ फार्मिंग लीडर चैनल में। किसान वीरो, आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसे रैबिट फार्मिंग कहा जाता है और हर किसान इसको बड़ी आसानी से कर सकता है। आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे वीर जी ने अपने घर है, ये उनका, उन्होंने अपने घर के बैक साइड ही इसको रख रखा है और इनसे हम आज इसकी पूरी डिटेल लेंगे कि इसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इनकम होती है, कहाँ मार्केट है इसकी और कितने समय में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इनका घर था अभी और ये उनका फार्म है मेरे पीछे। और जो किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके पास जो घंटी होती है उसको भी दबा लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बड़े पास से, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका फार्म है, ढिल्लो रैबिट फार्म। तो आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर इसकी काफ़ी अच्छी डिटेल यहाँ पर, जो कि ज़िला फरीदकोट पंजाब के अंदर पड़ता है। तो और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फार्म विजिट। तो वीर जी सत श्री अकाल। तो किसान वीरो, अब मैं आपको सर का फार्म दिखाना चाहता हूँ, तो आप हमें बताएं फार्म में क्या क्या होता है और किस किस चीज़ की जहाँ जरूरत पड़ती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये केज हैं सर आपके, ये केजेस हैं, ठीक है। इसमें कैसे रखा जाता है इनको? ऐसा है कि यहाँ से इसको रखा जाता है और ब्रीडिंग कराती हो, जैसे ये मेल है और फीमेल को इधर ले आते हैं इसको क्रॉस कराने के लिए, वहाँ पे छोड़ते हैं और ब्रीडिंग के बाद इसको क्रॉस कराने के बाद वापस उसकी जगह पे छोड़ देते हैं फीमेल को। यहाँ से इसको फीड देते हैं और यहाँ से ये वाटर देते हैं पानी कटोरी में। तो वीर जी बताएं कि आपने ये काम कैसे स्टार्ट किया? ये एक्चुअली मेरा स्टडी तो मेरी होटल मैनेजमेंट किसी और लाइन में थी, उसके बाद मैंने बहुत मतलब कि बाहर का ट्राई किया फॉरन का, तो उसके बाद जब सक्सेस नहीं मिली, बहुत पैसा ख़राब किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो यहाँ पर कोई काम स्टार्ट किया जाए। लेकिन मेरे को कोई काम सही नहीं लगा, मेरे पेरेंट्स कहते थे कि कोई शहर में दुकान वगैरह जहाँ कोई कर लें, लेकिन वहाँ पे सही नहीं लगा मेरे को, कि क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर सिटी में कोई हर काम मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब मेरे को किसी मेरे दोस्त ने बताया कि जब सूर का काम करते हैं तो सूर में जो वैक्सीन यूज़ होती है वो इस रैबिट से यूज़ होती है, रैबिट से बनती है जो वैक्सीन होती है। वो बोलते थे कि जब 100 हम उसकी डिमांड करते हैं जी तो सिर्फ हमें 25 ही मिलती हैं, ठीक है। अगर हम वो आपके पास रैबिट फार्म हम बनाएं, उसकी डिमांड बढ़ेगी और आपका वैक्सीन वगैरह के लिए यूज़ होगा, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो अगर ये काम सही लगे। उसके बाद मैंने इसको यूट्यूब वगैरह पे नेट पे सर्च किया और उसके बाद मैंने इसके बारे में सोचा और किया, ठीक है। तो आपने सर इसको कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया था और कितने से स्टार्ट किया था, कितने मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया शुरू किए को जी सर। और मैंने ये 10 यूनिट से स्टार्ट किया था, एक यूनिट में तकरीबन 10 खरगोश होते हैं, ठीक है, जिसमें 7 फीमेल होती हैं और 3 मेल होते हैं, ठीक एक है। यूनिट में और 10 यूनिट से स्टार्ट किया था 100 रैबिट से, ठीक है सर। और सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसको आपने स्टार्ट करने में कितना खर्चा आया था आपका? इसका लगभग सारा पिंजरे वगैरह और इसके फीडर बॉक्स, डिलीवरी बॉक्स और पानी वाले निप्पल कटोरी वगैरह सारा पाके इसका तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्चा आया था, ठीक है। शेड के समेत? नहीं, शेड अलग था, शेड का तकरीबन 1.25 लाख वगैरह अपना पड़ जाता है, 1.25 लाख। यानी कि आपका 3 लाख रुपये लगभग खर्चा? हाँ, 3 लाख रुपये खर्चा आया। तो आपको इसमें इनकम कैसे होती है और कितने समय में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे? इनकम ऐसा है, अपने आप पे भी डिपेंड करती है इनकम। जैसे जो छोटा बच्चा है वो पेट के लिए यूज़ होता है, जो इसका मीट के लिए यूज़ होता है, जो मीट में इसका 0% कैस्ट्रॉल है जी, और ये जो सूर वगैरह के या वैक्सीन वगैरह यूज़ होती है वो इसके मेडिसिन बनती है, ठीक है, इस पर यूज़ होती है। बाकी जो ज़्यादा है ये एक्सपोर्ट होता है और मीट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ तरह मीट और एक्सपोर्ट ही होता है? हाँ, मीट और एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। सर मैं जैसे हर काम में देखता हूँ कि मार्केटिंग की बड़ी समस्या आती है, तो इसमें मार्केटिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, या समस्या है या नहीं है? मार्केटिंग की ऐसा है, मार्केटिंग की पहले पहले जो करता है उसको समस्या तो लगती है कि मार्केटिंग की समस्या है, लेकिन ऐसा है ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके साथ, जिसको जो काम स्टार्ट करता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें बाय बैक एग्रीमेंट होता है, मतलब जो मीट वगैरह के लिए हम उठाते हैं उसका माल, जो प्राइस होता है मार्केट रेट के हिसाब से उठा लेते हैं, ठीक है। यानी कि वो गारंटी लेते हैं? हाँ, गारंटी लेते हैं, स्टाम्प पेपर के लिख के लेते हैं वो सर गारंटी। ये सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, ये
जो इसमें कैसे कितनी इनकम हो जाती है 100 रैबिट से, आप हमें बताएं। 100 रैबिट से तकरीबन जब फर्स्ट में ये बच्चे देते हैं, एक महीने बाद जब हम लेते हैं तो उसकी ब्रीडिंग कराते हैं, एक महीने के बाद बच्चा देता है और वो 4 महीने के बाद बच्चा तकरीबन 2 kg का हो जाता है। ठीक है, जो तकरीबन हमारा 300-350 रुपए में सेल होता है। ठीक है, उसके हिसाब से। हाँ जी, 250-300 रुपए केजी के हिसाब से, केजी के हिसाब से होता है जो सेल होता है। ठीक है, तो ऐसा है, बाकी जो मतलब कि जो ये 70 फीमेल होती है हमारे पास, 100 केज में 70 फीमेल होती हैं। ठीक है, 70 फीमेल की औसत जो हम निकालते हैं, 5 बच्चा एक जो फीमेल रहता है 5 बच्चा देती है। ठीक है, और वो जो होती है हम 70 की एवरेज लाएं तो 350 बच्चा हो जाता है। ठीक है, और वो 350 बच्चा जब हम सेल करते हैं तो तकरीबन 1,40,000-50,000 में सेल होता है। ठीक है, तो हम लगाते हैं कि तकरीबन 60-70% इसकी जो होती है खर्चा होता है और 30-35 जो होता है परसेंट इसका सेविंग होती है। ठीक है, 30-40% हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है। तो सर आप बताएं कि आपने 3 लाख से काम स्टार्ट किया था तो आपके पैसे कब पूरे हुए या हुए या नहीं हुए? तकरीबन मेरे पैसे 1.5 साल में पूरा हो गया। ठीक है, अब मेरे जो अगला बैच निकलेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा और फीडिंग वगैरह का सारा खर्चा एक बार मेरा क्लियर है। ठीक है सर, मुझे आप ये बताएं भी जो आपके 100 रैबिट हैं उनके बच्चे सेल करके आप इनकम कमाते हो ना? बच्चे सेल करते हैं, वो जो पेरेंट्स है वो हमारे पास ही हैं। पेरेंट्स आप ही रखते हैं? वे मेरे पास ही रहते हैं। ठीक है, और एक सर मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि इसमें लेबर की कितने की ज़रूरत होती है? इसमें मेरे पास 100 यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं, 100 रैबिट हैं। ठीक है, इसमें सुबह मैं 2 घंटे लगाता हूँ, शाम को 1 घंटा लगाता हूँ। जो इस पर सफाई वगैरह और फीडिंग वगैरह या किसी को कोई प्रॉब्लम है मेडिसिन देने की, सारा क्लियर हो जाता है। मतलब कोई ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं, ना कोई 3 से 4 घंटे का काम है आपका? हाँ, 3 घंटे का सारा काम है। ठीक है, यानी कि सवेरे 2 घंटे और शाम को 1 घंटा काफ़ी है। ठीक है, और सर एक बात हमें आप और बताएं, जब भी आप इनको सेल करने जाते हैं आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती इनको सेल करने में? सेल करने कहीं नहीं जाना, आपने एक बार बस कंपनी को फ़ोन करना है कि आपका माल रेडी है और कंपनी खुद आपसे माल उठाने जाएगी। ठीक है सर, आप बताएंगे इसका माल जाता कहाँ पे है, कहाँ इसकी कंजप्शन है? ये मीट के लिए यूज़ होता है, तो वो तो अब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अगर मार्केट है तो वहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर तो बहुत कम मार्केट है, नाम मात्र है। ज़्यादातर ये होता है कि ये चेन्नई, केरला वगैरह बाहरली स्टेटों में वहाँ पे यूज़ होता है मीट के लिए। ठीक है, वहाँ पर जाता है, वहाँ के 7-star 5-star होटलों में यूज़ होता है इसकी स्पेशल डिश के तौर पर। सर इसको क्यों पाला, क्यों खाते हैं वो लोग, ऐसी क्या खास बात है इसमें? इसमें 0% कैस्ट्रॉल है, हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, और डॉक्टर वगैरह भी इसकी सलाह देते हैं कि खाने के लिए। ठीक है, तो सर आज से 4-5 साल पहले काफ़ी रैबिट फार्म स्टार्ट हुए थे, वो सर बहुत जल्द बंद हो गए, तो वो बंद क्यों हुए थे और आप कामयाब कैसे हुए हैं? वो ऐसा है कि उस टाइम कुछ तो मेडिसिन की समस्या भी हो सकती है। ठीक है, उसको वो कह सकते हैं। बाकी ज़्यादातर मेरे एरिए में जो खुले थे वो तकरीबन ऊन वाले थे, वो मीट वाले नहीं थे। जो ऊन वाले होते हैं उनका ये समस्या आती है कि जो अब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है तो वो टेम्परेचर मतलब कि वो सहन नहीं कर सकते, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो वो कामयाब नहीं हुए होंगे। लेकिन मेरे को ये पता है कि मैं अपना काम 1.5 साल से कर रहा हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इस काम। ठीक है, तो सर मैं मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं मेरे, उनसे उनका मेरे ऊपर काफ़ी विश्वास है, तो मैं आपसे सर सच्ची में जानना चाहता हूँ कि इसमें प्रॉफिट है या नहीं है 2019 में या आने वाले समय में, कैसा बिजनेस है? सर ऐसा है कि मैंने भी जब स्टार्ट किया तो कोई भी बिजनेस है उसमें लॉस और प्रॉफिट का हम बोल सकते हैं कि होता है। ठीक है, ठीक है, जब हम काम करते हैं उसके बाद पता चलता है। बाकी हम ये बोल सकते हैं कि किस्मत और लक भी होता है एक बार, कि किसी का लक भी कैसा होता है। ठीक है, हम मेहनत से कोई भी काम करेंगे तो प्रॉफिट तो होगा। ठीक, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि काम से प्रॉफिट है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि प्रॉफिट ना हो जब हम काम। तो सर ये तो हुई आपकी बात, मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि कोई भी फार्मर है तो इसको कैसे स्टार्ट कर सकता है, इसके बारे में आप हमें बताएं। ऐसा है कि कोई ट्रेनिंग वगैरह भी होती है क्या? सब्सिडी वगैरह होती है? सब्सिडी भी पूछ रहा हूँ सर, ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग ऐसा आता है जब कोई काम शुरू करता है तो उसकी जब स्टार्ट करता है तो ये तकरीबन हम बोलते हैं कि 5 से 10 केज से स्टार्ट करो। ठीक है, जब बिजनेस वगैरह करना है तो कोई 1 केज से 10 रैबिट से बिजनेस नहीं स्टार्ट होता। अगर हम स्टार्ट करते हैं इतने केजेस से तो हम सारा जाली वगैरह पिंजरे वगैरह साथ में देते हैं। ठीक है, उसका
बच्चा सारा साथ होता है जो कि ब्रीडिंग के लिए तैयार होता है। ठीक है सर, स्टार्ट कैसे करें एक फार्मर, आप हमें ये बताएं भी फार्मर को पहले क्या करना होगा जिससे कि वो स्टार्ट कर पाए। उसको जब हमारे पास विजिट करता है तो हम उससे बोलते हैं कि आप 5 केज से स्टार्ट करो। अगर 5 केज से वो स्टार्ट करता है, 5 केज सर कहाँ कहाँ बनते हैं ये केज? ये केज हम ही देते हैं, कंपनी देती है, कंपनी देती है उसको, ये केज देती है, फीडर बॉक्स होते हैं, डिलीवरी बॉक्स वगैरह सारा। और जो ट्रेनिंग होती है वो जब काम शुरू करता है उसके फार्म पे जाके 5-6 दिन रह के हमारा डॉक्टर होता है वो दे के आता है। ठीक है, यानी कि अभी कंपनी और आप इसमें उसका साथ देते हैं? साथ देते हैं, वो कोई बात नहीं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा उसमें लिखा जाता है। ठीक है, और सर आप ये बताएं भी कंपनी, ऐसे तो सर हम कंपनी के नौकर हो जाएंगे, आप ये बताएं इसमें हमें कंपनी कितनी आजादी देती है, सारा काम हमारा ही होता है? ऐसा है कि अगर वो सेल का हम करते हैं कि जो नया फार्मर होता है उसको सेल की और बेचने की बहुत दिक्कत आती है, इसीलिए हम उसका विश्वास के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर वो चाहता है कहीं बाहर सेल करना वो कर सकता है, उसको कहीं मार्केट मिलती है, कोई तरीके से बाधित नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है। ठीक है, आजादी उसकी रहेगी? हाँ, आजादी उसकी रहेगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम। और सर आप हमें ये बताएं भी कौन कौन सी ब्रीड्स इसमें होती हैं और कौन कौन सी अच्छी ब्रीड्स हैं, आपने किस ब्रीड से स्टार्ट किया? एक्चुअली ऐसे है कि बहुत से फार्मर बोलते हैं कि कई ब्रीड है जो हमारे यहाँ पे प्रेयर नहीं मिलती, जैसे ज्यादातर हमारे जो पंजाब में और इंडिया में यूज होती है न्यूजीलैंड वाइट है, ठीक है, ग्रे जाइंट है और छोइप चिंचला है, ठीक है, ये मोस्टली पॉपुलर है। और कैलिफोर्निया है बोल देते हैं लेकिन यहाँ पे प्योर नहीं होती। ठीक है, यानी कि जो ब्रिड्स आप बता रहे हो यही ब्रिड इंडिया में चलती है? चलती है। आपके पास कौन सी ब्रिड ज्यादा है? मेरे पास न्यूजीलैंड वाइट, ग्रे जाइंट और छोइप चिंचला है। ठीक है, इसमें सर ब्रीड के हिसाब से भी कोई प्रॉफिट होता है ज्यादा? नहीं, ब्रीड का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो मीट के हिसाब से जाता है वो तो उसी रेट ही जाता है सर। सर अगर हम कोई क्वालिटी की ब्रीड लेते हैं क्या वो महंगी मिलती है या सेम ही रेट मिलती है केजी के? थोड़ा ऐसा आता है कि जो न्यूजीलैंड वाइट है उसका ऐसे हो जाता है कि जो वाइट उसकी फर होती है वो किसी जैसे बच्चों की जराबे वगैरह या कैप्स बनती है उस पर यूज होती है, तो इसकी थोड़ी डिमांड ज्यादा रहती है। ठीक है, और सर मैं एक बात ये जानना चाहूंगा इसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, क्या आपने भी ट्रेनिंग ली थी इसकी कोई? मैं ट्रेनिंग मैंने ली थी, चेन्नई से ली थी मैं, वहाँ पे अपना यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया था तो मैं वहाँ पर गया तो मेरे को पता चला यहाँ रैबिट फार्म है, मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली थी। ठीक, लेकिन कई है जगह जहाँ से ट्रेनिंग मिलती है, अब हमारे हरियाणा में भी है कई, था जैसे यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है, और सर इसमें लोन वगैरह या सब्सिडी वगैरह का प्रोसेस आप हमें बताएं? वैसे मैंने तो कहीं अप्लाई नहीं किया लेकिन मेरे को ऐसा पता चला कि मैंने पता भी किया था, तकरीबन इस पे जो 25% सब्सिडी देती है हमारी जो इंडिया सरकार है वो 25% सब्सिडी। ठीक है, तो सर आप अपना तो कॉन्टैक्ट नंबर हमें अवेलेबल कराएं और अपना एक तो एड्रेस बताएं ताकि कोई फार्मर आपसे यहाँ पर रीच करना चाहता हो, मैं गूगल मैप लोकेशन भी डाल दूंगा, हालांकि अपना नंबर और एड्रेस बता दें। मेरा नाम वरिंदर सिंह है और फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, वहाँ से ढिलवा खुर्द गाँव है सादक के पास, वहाँ पे है। तो ये थे वरिंदर जी जो कि रैबिट फार्मिंग करते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों आपको इनकी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर जरूर करें क्योंकि इसी से ही और किसानों के पास पहुंचता है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके पास जो घंटी होती है उसको भी दबा लें जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो किसान भाइयों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।